my next short short question in my short short series of class 12 MCQ is interest on capital point. Interest on capital में point होता है कि हमें interest on capital देना है. देखिए deed में mention है interest on capital to be provided. पहली चीज तो आपको ये check करना है. ठीक है जी, हम interest on capital देंगे. But अब क्या होता है, आपके पास profit जो है 10,000 रुपए का है और interest on capital की payment आपकी निकल के आती है 15,000 रुपए की. यानी यू आर हैविंग लेस प्रॉफिट एज कंपेयर टू योर इंटरेस्ट पेमेंट. इन दैट केस वट एवर प्रॉफिट यू आर हैविंग दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल. यानी 15,000 की पेमेंट तो हम कर नहीं सकते, 10,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट है, उस 10,000 रुपए को सारे पार्टनर्स में जो भी पार्टनर्स हैं आप कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशो में. एक ही चीज है पूरे अकाउंटिंग में जो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर. क्योंकि देना तो है ही, अब प्रॉफिट कम हमारे पास कम पड़ गया तो कम पड़ गया तो क्या करना है, जितना प्रॉफिट है वही बांट दो ना. हम लॉस बियर तो तब करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, अदरवाइज कैपिटल रेशियो शुड रिमेन इन माइंड. और पूरी अकाउंटिंग में कोई भी चीज कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है.